नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, जो कि हम लोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल्स पे भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिएगा, देखिएगा, पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं, पहली पेपर कटिंग की तरफ मूव करते हैं। तो हमें दिखता है ईरान बेलारूस टू बी न्यूएस्ट SCO मेंबर्स, यानी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स दो और देश बनने वाले हैं, ईरान और बेलारूस। तो जब भी हम आपके संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसके हमें मुख्यालय कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसके मुख्यालय हमें संघाई शहर में देख के कहाँ में देखने को मिलते हैं, तो बीजिंग में इसके जो है आपको मुख्यालय देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे? बीजिंग में आपके इसके मुख्यालय आपको देखने को मिल जाते हैं, किसके? SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आपके मुख्यालय। इसकी अगर स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो 15 जून 2001 में क्या हुई थी, इसकी आपकी स्थापना हुई थी। तो इतनी बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए। आपके दो नए देश ईरान और बेलारूस जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल, भारत इसका आपका सदस्य हो जाएगा। बिल्कुल, इसका भारत आपका सदस्य हो जाएगा। अगर सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसमें सदस्य देश आपका चाइना हो जाएगा, साथ में सदस्य देश इसका भारत भी आपका हो जाएगा, और साथ में सदस्य देश रशिया हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा। साथ में आपको तान याद करनी है, चार तान इसके जो है सदस्य देश हैं। पाकिस्तान इसका सदस्य देश है, पाकिस्तान इसका सदस्य देश है, कजाकिस्तान इसका सदस्य देश है, कजाकिस्तान इसका सदस्य देश है, किर्गिस्तान इसका सदस्य देश है, किर्गिस्तान इसका सदस्य देश है, उज्बेकिस्तान इसका सदस्य है, उज्बेकिस्तान इसका सदस्य देश रहेगा। तो चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह से आपके ये कितने हो गए टोटल, आपके चार तान हो गए। एक और तान इसमें जोड़ लो, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान। तो पांच इसमें टोटल में तान रहेंगे आपके, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, ये पांच तान रहेंगे। इसके साथ चाइना, इंडिया, रूस भी आपका इसका SCO का मेंबर है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसकी स्थापना 15 जून 2000 में हुई थी, इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपको बीजिंग में देखने को मिलेंगे। साथ में ईरान और बेलारूस के अंदर क्या है, ईरान और बेलारूस के अंदर क्या होती है आपकी, ईरान और बेलारूस इसमें नए शामिल होने वाले जरूरी नहीं है हो जाएं, अभी ये प्रस्तावित है कि ये भी आपके नए मेंबर हो जाएंगे, टू बी नए मेंबर हो जाएंगे, मतलब ऐसा बोल दिया गया है। ठीक, चलिए, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साथ में आपको यह भी यहां पे क्लियर होना चाहिए कि 2022 में सितंबर में इसकी समरकंद उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में क्या होने वाली है, इसकी आपकी समरकंद में होने वाली है मीटिंग, यानी बैठक। कब होगी? तो सितंबर 2022 में होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सितंबर 2021 में इसकी मीटिंग, यानी इसकी आपकी मीटिंग कहां पे हुई थी, यानी इसे किसने आपका होस्ट किया था, किस देश ने होस्ट किया था, तो याद रखना तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे, दुशानबे द्वारा होस्ट किया गया था। किसकी राजधानी? तजिकिस्तान की राजधानी। किसकी राजधानी भाई? तजिकिस्तान की राजधानी। तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में ये जो है 2021 में सितंबर में इसकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग की बात करें, सितंबर 2022 में कहां पे मीटिंग होगी, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में इसकी आपकी क्या हो जाएगी, समरकंद उज्बेकिस्तान में इसकी आपकी मीटिंग हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए उज्बेकिस्तान की कैपिटल, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो याद रखना ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, समरकंद राजधानी नहीं है, ताशकंद राजधानी है, ताशकंद, TASKHENT, ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। यू हैव टू रिमेंबर दैट समरकंद इज नॉट द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। बात करते हैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की आपकी राजधानी हो जाएगी, किर्गिस्तान की,
किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, किर्गिस्तान की, KYRG, किर्गिस्तान की राजधानी आपकी हो जाएगी नूर सुल्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाएगी, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाएगी, बिश्केक राजधानी किर्गिस्तान की हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कजाकिस्तान की राजधानी, अस्थाना थी जो अब क्या हो चुकी है, अब आपकी इसकी राजधानी हो चुकी है क्या, नूर सुल्तान। पहले क्या थी, अस्थाना थी, अब नूर सुल्तान इसकी राजधानी आपकी आपको देखने को मिल जाएगी। काफी कैपिटल्स हमने यहां पे लिख दी हैं। तजिकिस्तान की दुशानबे राजधानी याद रखना, तजिकिस्तान सितंबर 2021 में तजिकिस्तान में SCO की सम्मिट हुई थी, साथ में सितंबर 2022 में कहां होगी तो याद रखना है आपको, कहां पे होगी, सितंबर 2022 में इसकी आपकी SCO की मीटिंग कहां होने वाली है तो याद रखना है आपको, समरकंद उज्बेकिस्तान में सितंबर 2022 में SCO की मीटिंग होने वाली है। साथ में SCO के हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेंगे, बीजिंग। कहां पे इसकी स्थापना हुई थी तो 15 जून 2001 में, कब हुई थी तो 15 जून 2001 में इसकी जो है आपकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना चाइना और रसिया ने मिलकर यह ब्लॉक बनाया था और इस ब्लॉक को बड़ा करना चाहते हैं चाइना और रसिया, और चाइना और रशिया की हमेशा प्रतिद्वंदता रहती है वेस्ट वाली कंट्रीज से, तो बेस्ट के खिलाफ मान लो, ऐसे भी सोच सकते हो कि बेस्ट के खिलाफ एक आपका क्या किया गया है, बेस्ट के ही खिलाफ आपका मिला है, क्या मिला है, बेस्ट के ही खिलाफ आपका ये एक नया गुट बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं और अगले पॉइंट को हम यहां पे देखते हैं। साथ में इसमें एक बात और याद रखनी है कि आपके इसमें SCO में भारत और पाकिस्तान कब एड हुए, तो ये एक ही साथ हुए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों देश आपके कब ऐड हुए थे, किसमें, 2017 में ऐड हुए थे, किसमें, SCO में। अगर पूरा टाइप आपको 9 जून 2017 को ऐड हुए थे, 2017 याद रखनी है, 2017 में आपके इंडिया और पाकिस्तान जो है SCO में ऐड हुए थे, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। झेंग मिंग जो है चाइना के, इसमें लिखा होगा अगर आप पढ़ेंगे सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो झेंग मिंग आपके कौन है, झेंग मिंग जो हैं आपके चाइना के क्या हो जाएंगे, झेंग मिंग जो हैं आपके चाइना के क्या हो जाएंगे, सॉरी चाइना के झेंग मिंग रहने वाले हैं लेकिन SCO के क्या हो जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल यानी SC हो जाएंगे आपके, कौन, झेंग मिंग। इतनी बात क्लियर है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। IITM यानी IIT मद्रास रैंक कंट्रीज टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आपके बड़े बड़े हायर इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग प्रोवाइड की गई है किसके द्वारा, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जो है आपकी घोषित की गई रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें सबसे ऊपर इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में 2022 में ये आपकी घोषित हुई है, इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में NIRF 2022 में सबसे ऊपर रैंकिंग में आपका कौन आया है, IIT मद्रास आपका सबसे ऊपर रैंकिंग में आया है, रहता बॉम्बे था सबसे ऊपर रैंकिंग में लेकिन IIT मद्रास आपका रैंकिंग में नंबर बनाया है। IIT बॉम्बे की बात करें, IIT मुंबई की बात करें तो ये आपका रैंकिंग में कौन से नंबर पे, IIT मुंबई आपका रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आया है, और IIT कानपुर आपका रैंकिंग में पांचवें स्थान पे आया है। IIT कानपुर की बात की जाए तो पांचवें स्थान पे, IIT मुंबई की बात की जाए तो तीसरे स्थान पे, और IIT मद्रास की बात की जाए तो इसने प्रथम स्थान आपका पाया है। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो कितने जो है टोटल कितने अंक मिले हैं IIT मद्रास को, 100 में से रैंकिंग दी गई है, 100 में से नंबर दिए गए हैं लोगों को, तो IIT मद्रास को 87.59, IIT मद्रास को कितने नंबर मिले हैं, तो 87.5 मार्क्स जो है मिले हैं 100 में से, किसे, IIT मद्रास को आपके मिले हुए हैं। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर आपसे पूछे जाएं, आपके शिक्षा मंत्री साहब पूछे जाएं आपसे, तो याद रखना है आपको उनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान साहब जो हैं आपके अभी शिक्षा मंत्री हैं हाल फिलहाल में,
इनका नाम याद रखना ही एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें कितने टोटल, कितने इंस्टीट्यूट ने टोटल कितने संस्थानों को इसमें रैंकिंग में NIRF की 2022 की रैंकिंग में गिना गया है, तो 4786 जो हैं आपके क्या हैं, इंस्टीट्यूट हैं टोटल, जो कि इसमें कलेक्ट किए गए हैं IIT आपके किसमें, IIT NIRF की रैंकिंग लिस्ट में 2022 की। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगर इससे पूछा जाए कि कितने पॉइंट देखे गए हैं, कितने बिंदुओं को यहां पे कलेक्ट किया गया है, उन बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग दी गई है, तो 5 चीजें जो हैं आपकी कलेक्ट की गई हैं। पहली चीज कलेक्ट की गई है क्या, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज आउटरीच, ये वगैरह वगैरह आपके 5 पॉइंट लिए गए हैं, उन्हीं के आधार पे रैंकिंग की गई है। आई थिंक यहाँ पे आप अगर पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे आप इसका उत्तर समझ पाएंगे, देख पाएंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है एक समझौता हो गया है रीअलाइनमेंट का, जो कि 1960 के पेपर्स के माध्यम से हुआ है, यानी इनके बीच में लगभग 123 आपके जो विलेजेस हैं यानी गांव हैं, उनके 123 गांव जो है वो आपके किसमें थे, कंफ्यूजन में थे, 123 गांव में प्रॉब्लम्स थी, उसका रीअलाइनमेंट किया है, और दोनों ने इस दिक्कत को, इस परेशानी को खत्म किया है, बॉर्डर लाइन डिस्प्यूट को खत्म किया है। तो यहां पे याद रखना ये कौन से वाले आपके कौन से ईयर के यानी कौन से वर्ष के समझौते के साथ हुआ है, तो नमसाई डिक्लेरेशन 1960 में हुआ था, उसी के आधार पर यह काम किया गया है। क्या, कौन सा डिक्लेरेशन, नमसाई डिक्लेरेशन, ये कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। तो किसके लिए हुआ था, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये डिक्लेरेशन हुआ था, जो कि अभी आपका क्या हो गया है, असम और अरुणाचल प्रदेश, तब आपका असम में से ही, जिसे हम नेफा बोला करते थे, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला करते थे, उसी में से सारे के सारे ये राज्य आपके कटते हैं। कौन कौन से राज्य कटते हैं, इसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और वगैरह वगैरह बहुत सारे राज्य कटते हैं, तो कटते कौन कौन से हम देख लेंगे, तो नेफा में से ही कटे हैं, और उसमें एक नमसाई डिक्लेरेशन हुआ था जो है असम का और अरुणाचल प्रदेश का कितना कितना भाग होगा, उस डिक्लेरेशन पे ही साइन करके इन्होंने 123 गांव जो आपके दुविधा में थे उनकी दुविधा खत्म कर दी है, और इन परेशानियों को खत्म कर लिया गया है। नमसाई डिक्लेरेशन एम्स टू मिनिमाइज इंटर स्टेट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग 123 स्टेट्स, जो विलेजेस यानी 123 जो आपके गांव में परेशानियां थी कि किधर होने वाले हैं, वो नमसाई डिक्लेरेशन 1960 के ही आधार पर इन लोगों ने दोनों जो आपके राज्य हैं उन्होंने दोनों ने डिस्प्यूट ये खत्म कर दिया है। यहां पे आपको याद रखना है कि आपका इंटर स्टेट काउंसिल बनता है, कि अगर कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए अंतरराज्यीय परिषद बनता है, वो आर्टिकल 263 में आता है, आपके संविधान के आर्टिकल 263 में आ जाता है। इतनी बात यहां पे क्लियर रखनी है, और साथ में ये भी आपको क्लियर रखना है यहां पे कि आपका नागालैंड जो है अस्तित्व में कब आता है, नागालैंड आपका अस्तित्व में कब आता है, तो 1963 में आपका नागालैंड क्या आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है। और आपका अरुणाचल प्रदेश आपका अस्तित्व में कब आता है, तो 1987 में ये अस्तित्व में आता है। इससे पहले ये किसका पार्ट था, तो आपका नेफा का पार्ट रहता है। यहां पर आपको एक और चीज याद करनी है, एक कोड ही मैं बता देता हूं, M²T, यानी मिजोरम, एम से मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 के 4 राज्य आपके 1972 में फॉर्म होते हैं, 1972 में इनका फॉर्मेशन आपका हो जाता है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस तरह से नमसाई डिक्लेरेशन 1960 के आधार पर असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपनी दुविधाओं को खत्म करके अंतरराज्यीय जो सीमा का जो विवाद चल रहा था उसे खत्म यहां पर कर लिया गया है, जो कि 123 राज्यों में आपका 123 गांव में आपका जो है ये देखने को मिला था। मंकी पॉक्स केरला ऑन हाई अलर्ट, केरला को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, मंकी पॉक्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। इस मंकी पॉक्स में जो है क्या होता है, यूजुअली एक से लेकर तीन दिन में आपको फीवर आता है, इसके सिम्टम्स हैं, ये आपका करेक्टरिस्टिक फीवर, क्या फीवर आता है, बहुत ज्यादा सरदर्द होता है, लिम्फेडोमोपैथी यानी आपका बैक पेन करता है, जो आपकी पीठ होती है बैक होता है उस पर पेन होता है, इंटेंस
एथनीशिया नींद आती है आपको बहुत ज्यादा, तो ये आपके कुछ इसके सिम्टम्स हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं? बहुत बुखार आता है, साथ में सर दर्द होता है, साथ में पीठ दर्द होता है, साथ में आपका इंटेंस एस्थीसीमिया यानी बहुत ज्यादा आपको क्या आती है, एस्थीमिया, तो आपको बहुत ज्यादा नींद आती है इसमें। और यहां पे एक चीज और यहां पे आपको देखनी है कि ये होता कैसे है, तो फ्रॉम एन एनिमल टू पर्सन, यानी ये जानवरों से लोगों तक पहुंचने वाली बीमारी है। एनिमल बाइट्स, अगर कोई आपको जानवर काट लेता है, या ईटिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी आप जो आप नॉन वेज खाते हैं और वो नॉन वेज जिसमें जिस जानवर को चिकन पॉक्स हो चुका, मंकी पॉक्स हो चुका होगा, उसका ही आपको अगर मीट मिल जाता है और वही खाते हैं आप, उसी का नॉनवेज खाते हैं, तो आप में पहुंच सकता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स और रैशेस, मतलब तीन तरह से फैल सकता है, या तो आपको जानवर काट ले जिसको हो चुका है मंकी पॉक्स, या उस जानवर का आप जो है मीट वगैरह खा लें जिसको हो चुका है तो आपको हो जाएगा, और तीसरा किसी व्यक्ति को हो चुका है और उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, और इस तरह से जो उसके फपोले काइंड ऑफ पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, अगर उन रैशेस का फ्लूइड्स आपको लग जाता है तो भी मंकी पॉक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहां पे स्किन सारी की सारी उखड़ने लगती है फफोले पड़ पड़ के, और ये पर्सन से पर्सन में भी जो है आपका क्या हो रहा है, आपका ये पर्सन से पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में भी जाने जा रहा है, और जा कैसे रहा है, तो जो फ्लूइड्स हैं उसी के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसे एयर बॉर्न डिसीज कहें या आपका वाटर बॉर्न डिसीज कहें, तो हम इसे ज्यादातर वाटर बॉर्न डिसीज ही मान लेंगे, लेकिन ये ज्यादा अगर कहें तो एनिमल बॉर्न डिसीज इसे ज्यादा मानेंगे, यानी एनिमल से फैल रहा है ये, तो एनिमल बॉर्न डिसीज मानेंगे, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैल रहा है, तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी इसका हमें देखने को मिलता है कोविड की तरह। लेकिन जिस व्यक्ति को हुआ है उसका फ्लूइड यानी उसका पानी अगर उस फफोले का आपके ऊपर लग जाएगा, देन यू विल लाइक सफर फ्रॉम दैट डिसीज। चलिए, मंकी पॉक्स के बारे में हमने पहले भी बहुत आपको जो है जानकारी इसके बारे में दे चुके हैं। केरल आपका WHO ने लगभग 3500 इसके केस जो है पाए हैं, आपके 3500 केस आपके किसके, मंकी पॉक्स के पाए हैं, और उसने जो है थ्रेट इमरजेंसी भी जारी कर दी है। उसने मई में ही 2022 में थ्रेट इमरजेंसी जारी की थी, वो हमने कल देखा था। WHO जो कि आपका एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने ये उसकी ही जिम्मेदारी होती है ये सब जारी करने की। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इनके बारे में एलिना रिवानिकिना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक इनके बारे में आप सभी कुछ सब कुछ जानते होंगे। हमने एक पिछली जो है आपकी वीडियो बनाई थी कि विंबलडन में वुमेन सिंगल्स की ये विजेता रही हैं आपकी, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये पहली आपकी महिला हैं जो किस देश से आपकी विंबलडन की विजेता हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एलिना रिवाकिना, ये आपकी किस देश से जो है पहली महिला आपकी विजेता हुई है विंबलडन में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पिछली से पिछली या पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, इसी बीच में हुआ है। साक्षी मलिक जी की बात करेंगे तो साक्षी मलिक जी आपकी जो है फिर से एक बार हमें ब्रॉन्ज मेडल से जो है उन्होंने सम्मानित कर दिया है, हम लोगों का सिर ऊंचा कर दिया है। ये फिर से आपका क्या लेके आ गई है भारत में, कैटेगरी 62 कैटेगरी वुमेन्स रेसलिंग चैंपियन बन चुकी हैं, बन तो पहले ही चुकी थी ये रेसलिंग टूर्नामेंट में इन्होंने हमें क्या दिलाया है, हम लोगों का गर्व से सीना ऊंचा कर दिया है, एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलवा दिया है। किस चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हमें दिलवाया है, ठीक है, तो ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो जोहेर संगेर रैंकिंग सीरीज रेसलिंग टूर्नामेंट, जोहेर संगेर आपका क्या हो जाएगा, रैंकिंग सीरीज जोहेर संगेर, मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप आसानी से उसे समझ पाएंगे, रैंकिंग सीरीज रेसलिंग टूर्नामेंट
मेंट में दिलाया है, जो कि 2022 में ही हुआ है। इसमें क्या लेके आई है, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। जोहेर सुघेर, जोहेर शघेर, जोहेर शघेर रैंकिंग सीरीज रेसलिंग टूर्नामेंट 2022 में ये क्या लेके आई है आपका, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। अगर इस सीरीज की बात करें तो ये ट्यूनिस में हुई है। ट्यूनिस किसकी कैपिटल है, तो ट्यूनिशिया की कैपिटल आपकी ट्यूनिस हो जाती है। तो आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने 62 किलो की कैटेगरी में वुमेन्स की में जीता हुआ है साक्षी मलिक जी ने, जो कि ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी हमारे लिए। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगली चीज को यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस डिक्रा, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अनाउंसेस डिक्रा इन पार्टनरशिप विद यूएनडीपी। यूएनडीपी से किस राज्य की गवर्नमेंट ने जो है एक पार्टनरशिप साइन की है, एक समझौता ज्ञापन पे साइन किया है, जो कि डिकरा से संबंधित है। अब यहां पे समझिएगा डिकरा क्या है। डिकरा आपकी डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट, डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये आपकी क्या है एक इस प्रकार की कार्य पे जो है समझौता हुआ है। किस किस के बीच में, तो डाटा इन क्लाइमेट, डाटा जो है इकट्ठा करना है किससे रिलेटेड, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है। इसके लिए किस राज्य की सरकार ने यूएनडीपी से जो है समझौता ज्ञापन पे साइन किया है। यूएनडीपी क्या है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो तेलंगाना गवर्नमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तेलंगाना गवर्नमेंट ने आपका डिकरा के तहत यूएनडीपी से क्या किया है, साइन किया हुआ है। और तेलंगाना गवर्नमेंट की बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट के आपके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, यानी आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं चंद्रशेखर राव। कौन, चंद्रशेखर राव क्या हो जाते हैं आपके, चंद्रशेखर राव आपके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। साथ में आपको यहां के गवर्नर को भी याद रखना पड़ेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट के अभी हाल ही फिलहाल में तमिल सिलई सौंदराराजन जो है आपके यहां के क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। चंद्रशेखर राव आपके क्या हो जाएंगे, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने यूएनडीपी के साथ डिकरा के लिए साइन किया हुआ है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च जागृति शोभांकर लॉन्च किया है। जागृति मास्कट जो है किसने लॉन्च किया है, वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है, उपभोक्ता मामला विभाग ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, या खेलो इंडिया के लिए भारत सरकार ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामला मंत्रालय, उपभोक्ता मामला विभाग ने जो है आपका क्या किया है, आपका क्या किया हुआ है, आपका शुभारंभ लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है जागृति। जागृति मतलब जागो ग्राहक जागो यानी आप जब कोई चीज खरीदो तो क्या करो, जागो ग्राहक जागो ठीक है, जागो ग्राहक जागो के साथ साथ ये टैगलाइन चलेगी। और कौन सा आपका वहां पे सिंबल बन के आएगा, तो जागृति नामक मास्कट आपका तैयार हुआ है, वो मास्कट जो है आपका दिखाया जाएगा। आपकी बात करें इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाया गया है, अगर किसी भी कंज्यूमर किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी होती है तो 1915 पे कॉल करके आप अपनी परेशानियों को सरकार को बता सकते हैं। और यहां पर आपको एक बात और जाननी चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 2019 में आया था, कब आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा कब आया था, तो 2019 में आया था। इतनी बात यहां पे आपको जान लेनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मामला विभाग ने जो है आपका जागृति नामक मास्कट यानी शुभांकर लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत 1915 आपका हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर मिला के अपनी बात को बता दीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ऑन इंटरनेट सर्विसेज।
डिवाइसेस, यानी कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी इंटरनेट सेवाएं खुद उसकी ही अपनी इंटरनेट सेवाएं हैं और उस राज्य के सभी लोगों को वो राज्य अपने ही द्वारा दी बनाई गई इंटरनेट सेवाओं को जो है आपका प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यहां पे केरला एक राज्य है और सारे के सारे आपके शहर डाल दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है केरला इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरला इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो के फोन करके एक आपका के फोन करके आपका एक प्रोग्राम या एक आपकी केबल चलाई गई है जिसका नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। केरला फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, इसे बोलेंगे के फोन ही लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे आपका केरला फाइबर ऑप्टिक, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर से ही नेटवर्क जो है पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह। केरला फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये आपको याद रखना है, केरला फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ अहमदाबाद और केरला अभी न्यूज में भी थे, अहमदाबाद और केरला का एक शहर, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके जो है आपके गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, केरला का एक शहर, ये दोनों के दोनों आपके किसमें लॉन्च किए गए हैं, तो 50 आपके महानतम सिटीज यानी शहरों की सूची बनाई गई है और उन शहरों की सूची में दो राज्यों के जो है आपके गुजरात और एक केरला के राज्य के जो है सिटी आपके सम्मिलित किए गए हैं। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा, केरला इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिएगा देखिएगा, दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई नाम पोर्टल, ये थोड़ा यहां पे मिस्टेक हुआ है लगता है मुझे, KHH इज नथिंग हियर, टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू, यानी केंद्र सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई नाम POP लॉन्च किया है और वो क्या सुविधा है जिसके लिए किया है ये आपसे पूछा गया है। टू प्रोवाइड वेदर कंडीशंस, मौसम की स्थिति प्रदान करने के लिए, मौसम की स्थिति बताने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर कृषि के लिए, नई तकनीकी बताने के लिए, या टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड देयर स्टेट, उनके उस राज्य के बाहर उनके उत्पादित प्रोडक्टों को उत्पादन को बेचने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर हम यहां पे किसकी बात करते हैं, ई नाम POP की बात करते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एक आपकी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कहां पे, बेंगलोर के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ पे हुई है, ये कॉन्फ्रेंस ये आपकी बेंगलुरु में ये आयोजित हुई है। इसी में आपका एक जो POP नामक पोर्टल है ये लॉन्च किया गया या वेबसाइट डाली गई जिसका नाम है ई नाम पीओपी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ई माने इलेक्ट्रॉनिक, नाम माने आपका हो जाएगा यहां पे क्या, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मैं यहां लिख देता हूं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है नाम हो जाएगा, और POP का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म्स। इस तरह आपका नाम या ई नाम POP का लॉन्च हुआ है, यानी आपका ये है शुभारंभ, ये आपका लॉन्च किया गया है। साथ में इसमें आपको याद रखना है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, यानी कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी आपके क्या हैं, अभी आपके
जो है आपके कृषि मंत्री हो जाएंगे। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वन नेशन वन मार्केट के तहत ये आपका लॉन्च किया गया है ई नाम, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन और वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट के तहत ये आपका क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आई थिंक इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे आज करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऑफ द विच स्टेट विलेज पप्पन कुंजी इज नाउ मैनेजिंग 100% सैचुरेशन ऑफ ग्रे वॉटर, यानी आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जिसका गांव पप्पन कुंजी आपका 100% सैचुरेशन करने लगा है ग्रे वॉटर की, यानी कौन से राज्य में ये आता है। तो इसमें इसका सही ऑप्शन आई थिंक नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे सही कर लेते हैं, मणिपुर की जगह कर लीजिए तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। पप्पन कुंजी गाँव आपका कहाँ आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है, जो कि आपके 100% संतृप्ति करने का प्रबंधन कर चुका है पप्पन कुंजी गांव ग्रे वॉटर का। तो ग्रे वॉटर क्या होता है, ग्रे वॉटर जो एक बार यूज किया गया पानी है, वन टाइम यूज हो चुका है, यूज्ड पानी है जिसे हम फिर से साफ कर सकते हैं। लेकिन एक पानी होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लैक वॉटर, जो कि आपका नालियों में यानी सैनिटेशन में पहुंच चुका है, सेवरेज में पहुंच चुका है, उसे ब्लैक वॉटर संज्ञा दे दी जाती है। तो ग्रे वॉटर यूज्ड पानी है जिसे हम साफ कर सकते हैं, और उस यूज्ड पानी के लिए 100% मैनेजमेंट प्रबंधन की व्यवस्था आपका पप्पन कुंजी नामक गाँव कर चुका है, जो कि आपके कौन से राज्य, तमिलनाडु राज्य में आता है। साथ में आपको देखना है कांचीपुरम, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये राज्य आपका आता है, कहाँ आता है, तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, कांचीपुरम जिले में यह गांव आपका आ जाता है, कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपका ये तमिलनाडु है, इसके अभी हाल ही फिलहाल कैपिटल अगर बात करें तो कैपिटल आपकी सभी सभी लोगों को पता होगी, इसकी चेन्नई जो है आपकी राजधानी हो जाती है तमिलनाडु की। साथ में आपको याद रखना है तमिलनाडु के हाल ही फिलहाल बने गवर्नर आरएन रवि के बारे में, आरएन रवि हाल ही फिलहाल क्या मतलब गवर्नर बने, गवर्नर कौन है तमिलनाडु के, तो आरएन रवि की को याद रखना है कि ये आपके गवर्नर है तमिलनाडु के। और अगर चीफ मिनिस्टर आपसे पूछ दिया जाए, मुख्यमंत्री आपसे पूछ दिया जाए, तो एम के स्टालिन साहब आपके कौन हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि ये ग्रे वॉटर का सैचुरेशन किस स्कीम के तहत चल रहा है, तो एक आपकी स्कीम आई थी SBM, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का फेज टू चल रहा है अभी, कौन सा फेज चल रहा है, फेज सेकंड चल रहा है। SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन फेज टू के तहत ये आपका कार्य कर किया जा रहा है। और SBM स्वच्छ भारत मिशन कौन सा, ग्रामीण वाला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला आएगा, शहरी वाला नहीं आएगा, क्योंकि विलेज की बात यहां पर चल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तमिलनाडु गांव पप्पन कुंजी जो है आपका 100% किसकी सैचुरेशन करने का प्रबंधन कर चुका है, तो ग्रे वॉटर की। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो इसमें एक बहुत फेमस टेंपल आपका आता है, बृहदेश्वर टेंपल। कौन सा टेंपल, बृहदेश्वर मंदिर आपका आता है, कहां पे आपका, तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में ये बहुत फेमस आपका टेंपल रहता है। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है कि मद्रास का ही नाम बदल के क्या किया गया था, मद्रास का ही नाम बदल के आपका क्या कर दिया गया था 1968 में मद्रास का नाम बदल के ही तमिलनाडु कर दिया गया था, अगस्त 1968 में इसका नाम बदला गया था। आई थिंक इतनी बात आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी के साथ आज हमने इस करंट अफेयर्स के सेशन का समापन करते हैं, और आपसे अगले करंट अफेयर्स के सेशन में मंडे को फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसका करंट अफेयर्स हम संडे और मंडे का दोनों ही एक एकोमुलेट करके एक साथ पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।